हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति और स्वागत है आपका मेरे चैनल कुकिंग एंड स्पाइसेस पे। आज मैं बनाने जा रही हूँ ग्वार फली और आलू की सूखी सब्जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो यहाँ पर मैंने ग्वार फली ले ली है और ये मैंने 250 ग्राम ली है, जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो इसे क्लस्टर बीन्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे मैंने छोटे पीसेस में कट किया है, अगर आप चाहते हैं तो थोड़े बड़े साइज में कट कर सकते हैं। और इसी के साथ में मैंने यहाँ पर लिए हैं दो आलू, जिसे कि मैंने पील ऑफ करके छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और दो से तीन हरी मिर्च ली है। तो चलिए सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन को गैस पर रख दिया था। तो इसमें मैंने 1 टेबल स्पून ग्राउंडनट ऑयल ऐड किया है और 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। तो आप इस तरीके से दोनों ऑयल को इसमें ऐड करें, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है सब्जी का। तो ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें हींग ऐड कर रही हूँ और इसी के साथ में मैं इसमें जीरा भी ऐड कर रही हूँ। तो जीरा अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब मैं इसमें ग्रीन चिली ऐड कर दूँगी और इसी के साथ में मैं इसमें क्लस्टर बीन्स या गंवार फली ऐड कर दूँगी और इसी के साथ में मैं इसमें आलू भी ऐड कर दूँगी। अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और हल्दी ऐड कर रही हूँ इसमें 1/4 टीस्पून। तो इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कुछ देर के लिए हम इसे पकाएंगे। तो इस सब्जी को बनाते टाइम आप इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही डालें, इससे ये सब्जी जो है वो थोड़ी जल्दी पक जाएगी, क्योंकि इसे पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इस सब्जी में ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए, तभी ये टेस्ट में अच्छी बनती है। तो अब मैं इसे कवर कर दूंगी और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो 4 से 5 मिनट हो गए हैं इसे पकाते हुए और इसे मैंने बीच बीच में चला दिया था ताकि जो सब्जी है वो पैन पर ना चिपके। तो आप भी इसे बीच में एक दो बार चला लें। अभी मैं चेक कर लेती हूँ कि जो सब्जी है वो पक चुकी है या नहीं। तो आलू को जब मैं इसे दबा कर देख रही हूँ तो ये अच्छे से मैश हो रहा है, मतलब आलू जो है वो पक चुके हैं। तो फली जो है वो अभी पूरी तरीके से नहीं पकी है। तो इस तरीके से जब हम ग्वार फली की सब्जी बनाते हैं तो इसमें जो फली है वो पूरी तरीके से नहीं कुक होती है, थोड़ी सी वो कच्ची रहती है। अगर आपको ये पूरी सॉफ्ट चाहिए तो आप इसे बॉइल करके फ्राई करें। तो अब मैं इसमें मसाला ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ इसमें और 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर डालूंगी, धनिया पाउडर। तो मिक्स कर लेंगे इन्हें और वापस से हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लेंगे, ताकि जो मसाले हमने ऐड किए हैं वो भी पक जाए और जो थोड़ी सी फली कच्ची रह रही है वो भी थोड़ी पक जाए। तो ये मिक्स हो चुकी है, अब मैं इसे वापस से कवर करके 3 मिनट के लिए कुक कर लूंगी। गैस का फ्लेम सिंपर कर देना है। तो 3 मिनट हो गए हैं इसे पकाते हुए और जो आलू है और बीन्स हैं वो भी अच्छे से पक चुके हैं। अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और इसे सर्व कर दूंगी एक बाउल में। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी ग्वार फली और आलू की सब्जी बनकर रेडी है। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ में ये बनकर रेडी हो गई है और जो आपकी रेगुलर सब्जीज है उसमें आप इसे ऐड कर सकते हैं। बहुत आसान है इसे बनाना, तो आप भी इसे जरूर ट्राई करें। तो वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।